गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपके पास। आपने बचपन में जब कोई कहानी पढ़ी होगी हिंदी में, सहायक वचन में, या जो मेन पुस्तक होती थी हमारी हिंदी की, उसमें जब भी किसी नेशनल हीरो नायक की स्टोरी दी जाती थी तो उसमें जब स्टार्ट होता था तब एक कहा जाता था कि इनमें देश प्रेम, ईमानदारी, दूरदर्शिता, सच्चाई, ये सब चीज़ें कूट कूट के भरी हुई थी और ये सब बचपन से ही भरी हुई थी। तो बाय मिस्टेक अगर किसी ने मेरी बायोग्राफी लिखी या कहानी लिखी, तो उसमें जीवनी लिखी, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर कही जाएगी कि इनमें निर्लज्जता, बेशर्मी कूट कूट के भरी हुई थी। क्यों? क्योंकि मेरे वीडियोस पे कोई कमेंट तो करता नहीं है, फिर भी मैं बनाने चला आता हूँ कि ग्रुप अलाइव रहे। तो आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो स्पीच देने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली है। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनिए। आप जब भी स्पीच देते हैं तो या तो किसी और की स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, आप उसे पढ़ते हैं, या फिर आपकी खुद की लिखी हुई स्क्रिप्ट होती है, आप उसे पढ़ते हैं, या फिर अचानक आपसे कोई बोल देता है तो आप बिना स्क्रिप्ट के बोलते हैं, या फिर आपको प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है और आप बिना स्क्रिप्ट के बोलते हैं। ये सभी सिचुएशंस पे जब भी आप स्पीच दे रहे हों, एक जो ख़ास बात जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जब आप स्पीच दे रहे हों तो आपकी जो स्पीच है वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पढ़ी हुई हो या कोई रटी हुई हो, बल्कि वो इस तरह लगनी चाहिए कि आपके दिल और दिमाग से सीधे बोली जा रही है। यानी ना सिर्फ कंठ से या जिह्वा से, यानी जुबान से या कंठ से नहीं बोली जा रही, बल्कि आपके दिल और दिमाग से बोली जा रही है। जब ये कॉन्टेक्ट बहुत स्ट्रांग होगा ना, तो ये सुनने वालों के सिर्फ कानों तक नहीं जाएगी, ये उनके दिल और दिमाग में जाएगी। यानी जब स्पीच बहुत अच्छी होती है तो आपके दिल और दिमाग से निकल के ये सुनने वाले के दिल और दिमाग तक जाती है, और जब ये सिचुएशन बनता है तो ये स्पीच डिलीवरी और स्पीच सुनने का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेस्ट होता है। तो आप लोग अगली बार जब भी स्पीच दें कहीं भी, सिर्फ मैं यहाँ स्पीक प्लस ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि किसी भी जगह पर अगर आप स्पीच देते हैं तो आपकी स्पीच कुछ इस तरह लगनी चाहिए कि आपके दिल और दिमाग से निकल रही है और सामने वाले के दिल और दिमाग तक जा रही है। जब ये सिचुएशन बनेगा तो वो बेस्ट सिचुएशन होगा। तो कोशिश कीजिए, आज जो मैंने आपको टॉपिक दिया है कि आप क्या करते हैं या फिर क्या किया जाना चाहिए जब आप कंफ्यूज हों, जब आपके पास दो या अधिक ऑप्शंस हों, या फिर आपको यस और नो करना हो, उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, उस स्पीच को इस तरह से दीजिए कि आवाज़ आपके दिल और दिमाग से निकल रही है और सुनने वाले के ना सिर्फ कान तक जा रही है बल्कि उसके दिल और दिमाग तक जा रही है। तो प्लीज़ आज इस फॉर्मूले को ट्राई करके देखिए, ये बहुत बड़ा फार्मूला है और ये स्पीच को बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, इफेक्टिव बना सकता है। थैंक यू वेरी मच।